वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। आखिर इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आगमन के कारण जब दुनिया भारत की ओर देख रही थी तब उसकी राजधानी दिल्ली भयावह हिंसा से दो चार थी। यह हिंसा कितनी भयानक थी इसका पता इससे चलता है कि एक पुलिसकर्मी और खुफिया ब्यूरो के एक कर्मचारी समेत करीब 2 दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पागलपन भरी इस हिंसा में बड़े पैमाने पर संपत्ति तो स्वाहा ही की गई, सामाजिक ताने बाने को भी गंभीर क्षति पहुंचाई गई। यह भी एक विडंबना ही है कि जिस नागरिकता कानून का भारत के किसी नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं, उसके विरोध और समर्थन के फेर में इतनी अधिक जाने चली गईं। यह समझा जाना चाहिए कि शरारत और नफरत से भरी इस हिंसा ने दिल्ली के दामन पर दाग लगाने और साथ ही देश का नाम खराब करने का काम किया है। दिल्ली दिल दहलाने वाली हिंसा से बच सकती थी यदि पुलिस ने आवश्यक सतर्कता बरती होती। चूंकि उसने ऐसा नहीं किया इसलिए स्वाभाविक तौर पर उसकी आलोचना हो रही है। गत दिवस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से दिल्ली पुलिस को जो फटकार लगी उसके लिए वह अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। यह समझना कठिन है कि आखिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी यह साधारण सी बात क्यों नहीं भांप सके कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए हिंसा भड़काई जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देकर एक तरह से उसकी भूल ही याद दिलाई। निस्संदेह भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं ने माहौल बिगाड़ने का काम किया। यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि भड़काऊ भाषण देने वाले हर नेता के खिलाफ कोई प्रभावी और सबक सिखाने वाली कार्रवाई होनी चाहिए। वे चाहे जिस दल या संगठन के हों, इस मामले में भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के बेलगाम नेताओं में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने में एक भूमिका शाहीन बाग धरने की भी है जो सड़क पर काबिज होकर दिया जा रहा है। यह हैरानी की बात है कि करीब 70 दिन बीत जाने के बाद भी यह धरना जारी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उचित ही फटकार लगाई, लेकिन आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा कि न्यायपालिका के दखल के बाद भी शाहीन बाग का धरना क्यों जारी है। वास्तव में
यह दिल्ली ही नहीं देश का दुर्भाग्य है कि यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित बना हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हिमाचल प्रदेश विश्व भर में विख्यात है। रोमांच के शौकीनों के साथ ही लोग यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ के लिए भी आते हैं। धार्मिक पर्यटक भी हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से आते हैं। नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी के विख्यात शक्ति पीठों के अलावा राज्य के हर कोने में भी धार्मिक स्थल हैं जो लोगों की आस्था के केंद्र हैं। कई स्थान ऐसे भी हैं जिनका ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व है, लेकिन लोगों को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। यह किसी से छिपा नहीं है कि प्रदेश की आर्थिकी में भी पर्यटन उद्योग अहम है। सरकारी व निजी स्तर पर इस उद्योग के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कई नए पर्यटन स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। छोटी काशी के रूप में विख्यात मंडी में शिवधाम बनाए जाने का विचार भी उम्मीद जगाता है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुति दी है। बताया गया है कि मंडी में 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि क्षेत्र की परिस्थितियों और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। निस्संदेह यह सराहनीय फैसला है। इससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना है। राज्य के अन्य जिलों में भी कई धार्मिक स्थल हैं जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कई धार्मिक स्थल अभी तक बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की पहुंच से दूर हैं। कई जगह पर्याप्त सड़क सुविधा नहीं है तो कई जगह अन्य सुविधाओं की कमी है। बेशक स्थानीय स्तर पर सुविधाएं जुटाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसके लिए सरकार को हर जिले में धार्मिक पर्यटन के लिए विशेष सर्किट बनाए जाने चाहिए। इससे इन स्थलों की महत्ता के बारे में श्रद्धालु जाने सकेंगे। वहीं स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके लिए नियोजित कार्य किए जाने की जरूरत है। इन स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए संजीदगी से विचार करना चाहिए। स्टॉप।